भाषा। रवि, तुम कहाँ जा रहे हो? रवि, तुम कहाँ जा रहे हो? भानु ने रवि से क्या पूछा? रवि ने भानु की बात सुनी और जवाब दिया, मैं बाजार जा रहा हूँ। बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाई जा सकती है, सुनकर दूसरों की बात को समझा जा सकता है। अध्यापक जी लिखकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, बच्चे पढ़कर उनकी बात समझ रहे हैं, लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है, पढ़कर दूसरों की बात समझी जा सकती है। हम ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी अपनी बोलियों द्वारा अपनी बात कहते हैं। जैसे भो भो करता है, म्याऊं म्याऊं करती है, दहाड़ता है, चिंघाड़ता है। देखे क्या सीखा हमने? दिए गए चित्रों को देखकर समझिए और लिखिए कि इनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है, बोलकर या लिखकर। इस पिक्चर में, इस चित्र में बोलकर ये कैसे बात अपनी समझा रहा है? बोलकर। और ये अपनी बात कैसे समझा रहा है? बोलकर। लिखकर चित्र के सामने उनकी बोलियां लिखिए। तोता कैसे बोलता है? मिठू मिठू। डॉगी कैसे बोलता है? भो भो। कबूतर कैसे बोलता है? गुटरगू। ये अपने बोल कर बात समझाता है। और कैट कैसे बोलती है? बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। ठीक है, जो भाषा है, भाषा के दो रूप हैं। हम दो चीज़ों से बोल के भाषा को बताते हैं। एक होता है बोलकर, दूसरा होता है लिखकर। बोलकर हम लोगों को अपनी बात बोलकर भी बताते हैं और लिखकर भी बताते हैं। ठीक है, ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।